रणजीत बच्चन की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया है और दौरान प्रदर्शन जो है वो जारी है। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग के कई समर्थक कर रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन इनको कर रहा है लेकिन समझने को तैयार नहीं। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला का। चंद्रमणि, अभी क्या अपडेट मिल रही है और क्या अभी तक ये जानकारी हासिल हो पाई है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे वजह क्या है? एक भाषण दिया गया था जिसमें सीए और एनआरसी जिससे तमाम मुद्दों को लेकर बात की गई थी और उसके बाद में आज सुबह उनके जो रणजीत बच्चन थे उनकी हत्या कर दी गई। इसके पहले अभी हमारी कुछ सहयोगियों से भी बात हुई जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे कहा कि कल उन्हें धमकी भी किसी ने दी थी फोन के जरिए कि जिसमें उन्होंने कहा था, उनसे कहा गया था कि वो कल का सूरज नहीं देखेंगे और आज ऐसा ही हुआ। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फोन कहाँ से आया था, धमकी किसने दी थी फिलहाल, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ जरूर तार जोड़े जा रहे हैं जो कल का हवन हुआ और भाषण हुआ, क्योंकि हवन और भाषण के बाद जानकारी इस बात की यह भी मिल रही है कि जब कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया गया था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इन्हें भी डर था, धमकी शायद इनको भी मिल रही थी और इसीलिए यहां पर लगातार सुरक्षा की मांग की जा रही थी और ये डर कहीं ना कहीं आज खत्म हो गया। यहां पर सामने आया कि धमकी जो है यहां पर रणजीत बच्चन को दी गई थी और उसके बाद ये अंजाम यहां पर देखने को मिला। जी बिल्कुल, जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी और कमलेश तिवारी की हत्या के बाद में इन्हें भी, जैसा कि इनके परिजनों का कहना है कि इन्हें भी धमकियां मिल रही थी और इसको लेकर ये प्रशासन से भी लगातार गुहार करते आए थे। प्रशासन को कई बार इन्होंने, इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी भी हत्या हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और जिसका ये परिणाम निकला कि आज उनकी हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल चंद्रमणि, अभी क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए? क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज या किसी ने देखा हो आते जाते, कुछ अभी अहम कोई क्लू मिल पाया है वहां से? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने लगातार जितने एरिया हैं उसके सारे सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो खंगालने शुरू कर दिए हैं। साथ ही में क्राइम ब्रांच की टीम इनके आवास पर भी आई जहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो जहां पे जो लोग आने जाने वाले थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही आखिर क्या वजह रही और किस वजह से वो हत्या हुई। और सुबह से आने से लेकर और सुबह जब वो घर से निकले थे उसके बाद में रास्ते के जितने भी सीसीटीवी हैं उनको खंगाल जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द ये 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। बिल्कुल चंद्रमणि, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई यहां पर की जा रही है और तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को यहां पर खंगाला जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, साथ ही समर्थकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज सुबह आदित्य श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने पुलिस को एक जानकारी दी कि वे अपने मौसेरे भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए थे और ये परिवर्तन चौक से आगे जा रहे थे, ओसीआर बिल्डिंग से निकले थे और आगे जाते समय इनके पीछे से किसी व्यक्ति ने इन्हें रोका, वो शाल उड़ा हुआ था, इनके पिस्टल लगाई और इन दोनों से मोबाइल फ़ोन स्नैच किया और इसी स्कफलिंग में उसने गोली चलाई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं, सभी लोगों के उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो देखे जा रहे हैं, उनके विवादों पर नज़र रखी जा रही है और सिविल पुलिस क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस समय लगातार इस पर काम कर रही हैं जो विभिन्न एंगल्स पे काम कर रही हैं। अरे भाई साहब, कल रणजीत बच्चन जी का जन्मदिन था, हम लोग आए थे साथ में, जन्मदिन मनाए, 4 बजे यहाँ से गए हैं, अब तक सकुशल थे और किसी ने उनको फोन पर धमकी दी कि कल का सूरज नहीं देख पाओगे और वही हुआ हम लोगों के साथ में। क्या मांग कर रहे हैं?
जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा हो। कल किसी प्रकार को उनको भी दी थी जो की बताया नहीं था। वैसे डेली हम लोग से मुलाकात हुआ करती थी, कोई ऐसी बात नहीं, हमेशा खुश मिजाज के रहते थे, उनकी वाइफ भी रहती थी हमेशा कोई प्रोग्राम में। लेकिन आज जिस तरह से निर्गम हत्या है हिंदू राष्ट्र की लोगों की गई, इससे पहले कमलेश तिवारी उनकी गई तब भी पुलिस प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसमें भी एक्शन हम लोग लेते हैं। महाराज जी की हमारी हत्या हुई, इसकी सख्त कार्रवाई करके शीघ्र निर्दोषियों को पकड़ना चाहिए। हम पूरी सड़क पे सीसीटीवी कैमरे लगा, अभी 24 घंटे का समय देंगे, फिर उसको गोरखपुर भेज दिया जाएगा, फिर यहाँ से हिंदू का खत्म कर दिया जाएगा। आज उनकी हत्या की, कल किसी और की भी हत्या की जा सकती है। मेरा बाबू मेरा मनोज मेरा भाई मेरा को मुसलमानों ने मार, मेरा बाबू को मुसलमानों ने मार, बहुत हम किया मिर्ची बहुत लिखते थे साहब, बहुत लिखते थे साहब, मेरे बाबू को तो जल्द कार्रवाई की बात यहां पर पुलिस कर रही है, तो दूसरी तरफ समर्थक कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ की जाए। चंद्रमणि का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चंद्रमणि, जो समर्थक थे उनका कहना है कि कल जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद एक बयान उन्होंने दिया और उसके बाद से ही, हालांकि पहले से ही उनको धमकी मिल रही थी, लेकिन उसके बाद एक कॉल आया और उस कॉल में कहा गया कि कल सुबह का सूरज तुम नहीं देख पाओगी, क्या उस कॉल को भी ट्रेस किया जा रहा है पुलिस के जरिए? जी बिल्कुल, जैसा कि इन समर्थकों का दावा है कि कल एक कॉल आई थी जिसके जरिए उन्हें धमकी दी गई थी कि कल का सूरज नहीं देखेंगे। हालांकि ये समर्थकों का कहना है, इस पे इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है। फिलहाल हमने उनसे जानकारी भी जानने की कोशिश की कि क्या किसका नंबर था और किस तरह के मैसेज आए थे, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। फिलहाल पुलिस जरूर इस पर ध्यान देगी और पुलिस ये कॉल डिटेल निकालेगी कि किनका किनका फोन आया था और कहां कहां से फोन आया था। कार्यकर्ता ने जरूर दावा किया है कि कल किसी ने फोन करके उनसे कहा था कि कल का सूरज नहीं देख पाएंगे और हकीकत में ऐसा हुआ कि जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तब उनकी हत्या कर दी गई। अब इसके पीछे क्या वजह है, किनका हाथ है, ये कुछ समय बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस जो है वो कॉल डिटेल जरूर निकाल रही होगी और उसे खंगालेगी कि इसका किसका फोन आया था, किस तरह के धमकी भरे मैसेज आए थे या पीछे क्या कहानी थी, वो पुलिस कुछ ही देर में स्पष्ट जरूर करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।